नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट सुख चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई फ्लाइट से रिलेटेड। जी हां साथियों, फ्लाइट से रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है 23 मई को पेस मिशन 2 ख़त्म हो चुका है, और हालांकि इसको गवर्नमेंट ने बढ़ा के आगे कर दिया है 13 जून तक। तो मैं कुछ अपडेट नहीं बताऊंगा आपको, आगे बढ़ने से बचाऊंगा। साथियों, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज लाइक ज़रूर कर लें, ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे भाई फ्लाइट से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, ये देखिए पहले कोरोना की स्थिति बता दूँ, इंडिया में क्या स्थिति है। इंडिया की साथियों कोरोना की अपडेट बहुत रफ्तार से बढ़ रही है। इसका रीज़न ये है, मैं बता दूँ आपको, पहली बात तो इंडिया के जो प्रवासी हैं पूरी इंडिया में लगभग 80 लाख 1 करोड़ के करीब, जो इधर उधर कंट्री में अपनी एक दूसरे में जो मजदूर काम कर रहे थे, वो अभी सब घरों के लौटने वाले हैं। इस वजह से कोरोना उन्हीं की वजह से बढ़ रहा है इंडिया में। हमारे सीकर की बात करें तो मैं बता दूं कि 2 महीने तक मात्र 4 या 5 मरीज थे, अभी 15 दिन में बढ़ के लगभग 80 हो गए। ये टोटल बम्बई और गुजरात से आए हुए हैं, तो इन्हीं की वजह से ये बढ़ रहा है। बाहर वालों को तो चलो गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेती है, लेकिन ये कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, इसी वजह से ग्रोथ होगा। पूरा मई और जून तक पिक पे चाहे रहेगा ये। इंडिया में बात करें साथियों, तो 23 मई तक के आंकड़े आ रहे हैं 1,31,400 के समथिंग, और इसमें डेथ हो गई 3800 प्लस, यानी 4,000 के करीब अभी तक लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से 50,000 से प्लस अभी तक रिकवर कर लिए गए हैं। बात करें साथियों कि गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के 13 जून तक इसको कर दिया गया। आज मैं बात करूँगा कि 180 फ्लाइट टोटल हैं। जी हाँ साथियों, टोटल 180 फ्लाइट हैं, जो 25 मई से लेके 13 जून के बीच में 180 फ्लाइट हैं। उनमें से साथियों बता दूं, 97 फ्लाइट इंडिगो को दी गई हैं। इंडिगो एयरलाइंस आपने सबने सुना होगा, सस्ती फ्लाइट होती हैं। 97 फ्लाइट साथियों इंडिगो को दी गई हैं, जो बहुत बड़ी एक संख्या है, यानी आधी फ्लाइट उनको दे दी गई, यानी प्राइवेट सेक्टर में कर दिया गया। एयर एशिया गवर्नमेंट की फ्लाइट है, इंडिगो प्राइवेट फ्लाइट आपको पता है, लेकिन ये उत्सुक थी तो गवर्नमेंट ने इनको दे दिया। और इनकी फ़्लाइटें भी भाई सस्ती होती हैं, हालांकि सुविधाएँ इतनी नहीं मिलती, बोतल पानी की देते हैं ये, लेकिन टिकट इनका सस्ता पड़ता है, महंगा नहीं पड़ता। 97 फ्लाइटों का इनका शेड्यूल रहेगा, और मैं बता दूं शेड्यूल भी खास तौर से गल्फ रहेगा। जी हां साथियों, गल्फ में इनका शेड्यूल रहेगा, जो 4 कंट्रियों में है। तो मैं बता दूं कि कौन कौन सी कंट्रियों में कितनी कितनी फ्लाइट आने वाली 25 मई से लेकर 13 मई तक के बीच में इनका परफॉर्मेंस रहेगा। सऊदी के लिए साथियों 36 फ्लाइटों का शेड्यूल है। जी हाँ साथियों, सऊदी के लिए इनको 36 फ्लाइटें दी गई, तो भाई सऊदी वाले खुश हो जाओ, 36 फ्लाइटें अभी और आने वाली हैं। एयर एशिया के अलग हैं, बाकी ये हैं 36। तो दोहा कतर के लिए साथियों 28 फ्लाइट दी गई हैं। दोहा कतर हालांकि ठीक है, 28 फ्लाइट 25 मई से लेकर 13 मई तक के बीच में 28 फ्लाइटों का शेड्यूल रहेगा एयर इंडिगो का। कुवैत के लिए साथियों 23 फ्लाइटों का शेड्यूल है, 25 मई से 13 मई के बीच में 23 फ्लाइटें एयर इंडिगो की आएगी, बाकी एयर एशिया की अलग है। और मस्कत के लिए 10 फ्लाइटों का शेड्यूल है साथियों। एयर एशिया का तो मात्र 4, 5, 6 फ्लाइटों का शेड्यूल था 14 दिन में, इनका अच्छा परफॉर्मेंस है। 10 फ्लाइट मस्कत के लिए सिर्फ इंडिगो की है, एयर एशिया की अलग है। और भाई बैड न्यूज़ ये है कि दुबई के लिए फ़्लाइट इंडिगो में नहीं दी गई है। बहरीन और दुबई के लिए इंडिगो में नहीं है, एयर एशिया में है, उसका शेड्यूल मेरे पास नहीं है। ये सिर्फ एयर इंडिगा का शेड्यूल है, जो मैंने आपको बता दिया दुबई और बहरीन को छोड़ के। तो साथियों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।